कश्मीर लाइफ में आपका खैर मकदम है। मौजूदा दौर साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से इंडस्ट्रीज और रोबोट्स का है, जहां काम नई नई मशीनों के जरिए कराए जाते हैं। इस वजह से मैन पावर काफ़ी कम नज़र आ रहा है, यानी इंसानों से काम काफ़ी कम लिया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2023 के दौरान 75 मिलियन नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी या बदल जाएंगी। ये काम मशीन से अंजाम दिए जाएंगे। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 69% नौकरियाँ मशीन्स या रोबोट्स करेंगे। 2018 में 71% काम इंसान अंजाम देते थे और 29% रोबोट्स, जबकि एक तहकीक के मुताबिक 2022 में इंसान कुल 58% काम अंजाम देंगे और 41% रोबोट्स। ऐसी सूरत हाल जहां कई नौकरियों को ख़त्म कर रही है, वही नई नौकरियों की राहों को हमवार करती है, जैसे कि डेटा साइंस, ब्लॉकचेन, कंप्यूटेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह। ऐसी नौकरियों के लिए एक इंसान को लायक बनने के लिए तालीम में भी तब्दीली की ज़रूरत है। आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंटेशन और क्वांटम फिजिक्स जैसे मजामीन को बच्चों तक पहुंचाने की जरूरत है। इसी मकसद को लेके कश्मीरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस सामने आया है, जो 2019 से बच्चों को इन मजामीन पर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और अब ऑफलाइन भी पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी में आने वाली तब्दीली के काबिल बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आने वाला दौर मशीन्स और रोबोट्स का है, यानी कि अब मुकाबला इंसानों के साथ नहीं मशीन्स और रोबोट्स के साथ होगा। ऐसे में इंसान कहाँ फिट होगा? अभी के लिए इतना ही। आप बने रहे कश्मीर लाइफ के साथ।